तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज 27 मई, 27 मई को पहले शिफ्ट का आरआरबी जे का पेपर ओवर हो चुका है। बच्चे लगातार व्हाट्सएप नंबर अभी आपको कुछ देर बाद नीचे शो होगा, वहां पे बच्चे लगातार क्वेश्चंस को सेंड कर रहे हैं। और जो पहले दिन का बात करेंगे तो कोई भी लेवल में ऐसा नहीं कि कुछ भी डिफरेंस है। जैसे पहले दिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी जीके के, मैथ्स के, आपके रीजनिंग के, वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी होने के चांसेस हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो होंगे होंगे लेकिन नंबर काफी कम ज्यादा नहीं बढ़े घटेंगे, क्योंकि लेवल तो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और क्वेश्चन हमारे बात करते हैं कि आज वाले शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले बता दें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन में क्लिक करो, क्योंकि एनटीपीसी के लिए तुरंत ही हम लोग एक नया क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं, जहां पे मैथ्स में पूरे आपको फुल मार्क्स दिलाने वाले हैं। इतने बेहतरीन कोर्सेज लेकर आएंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट के बारे में। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रंटियर गार्ड ही किसे कहा जाता है। आज के पहले शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये किसे कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक आया था कि अर्जुन जो है वो किस चीज़ का नाम है। आपको तीन चार ऑप्शन में दिए हुए थे, जिसमें से टैंक जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, तो अर्जुन किसका नाम है? एक टैंक है इंडिया में जिसका नाम क्या है? अर्जुन रखा गया है। और आज देखिए डिफेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। बच्चों ने बताया कि दो क्वेश्चन जो है वो डिफेंस से ही आ रहे हैं, और ये दो तीन दिन पहले भी ऐसा हो रहा था कि डिफेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। जैसे कि वो सैटेलाइट के बारे में पूछ रहे हैं, टैंक के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं। इस तरीके से वो डिफेंस जो और डिफेंस से क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आ रहे हैं। और ये दो तीन जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद अच्छे से पढ़ लेना है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहा है, जहां पे आपको या तो फ्रीक्वेंसी दे रहा है या तो टाइम पीरियड दे रहा है। और जो दूसरा फॉर्मूला है आपको वो वाला, जो आपको कुलाम वाला फॉर्मूला है, जहां पे धारा भी आपको रिलेट हो रहा है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आज एक क्वेश्चन पूछा था सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक बार पूछ लिया गया है तो आपसे यही चांसेस है कि वो ये पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल आपको देगा, पूछेगा कौन सा फोर्स है इसमें, या फिर सेंट्रीपेटल का एग्जांपल देगा तो पूछेगा कौन सा फोर्स है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग किसी धातु को गर्म कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी गतिज एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, मान लो कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, ठीक है, उसके अंदर उसके अणु बने हुए हैं, उसके मॉलिक्यूल है, तो उसके अणु हैं। जब आप इसे गर्म करोगे तो अणुओं के बीच की जो गति है वो क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा गति। तो उसकी गतिज ऊर्जा भी जो है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मैथ से इस टाइप के क्वेश्चन लगातार सभी के सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लेके हम लोग आने वाले हैं जल्दी। पहले हम लोग मैथ के चैप्टर वाइज चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करें। और रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए वीडियो आती है, बिल्कुल फ्री में वीडियो, जाके जरूर देखा करो। चलो, कॉस 60 की वैल्यू हम लोग को पता है, सीधे साधे हम लोग लगेंगे 1/2 रख देंगे। कॉस 180 की वैल्यू, इसको 90+90 रख सकते हो, और कॉस 90+थीटा आपको पता है, ये तुरंत हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं, और 90+ मतलब यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, कॉस 90+थीटा यहाँ पे निगेटिव होगा, तो यहाँ पे होगा -1। सेम इसी तरीके से इसको लिखोगे आप 90+30, ये भी निगेटिव होगा, 30 वैल्यू 1/2 रखोगे तो -1/2। और इसको आप लिख सकते हो कितना, बोलो भाई, 180+60 लिख सकते हो, तो वो भी यहीं पे क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा, तो ये भी -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो सभी को क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं भाई, अब आपको बताते हैं कि इसका कैसे आंसर निकालोगे। तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो -1/8 इसका सही आंसर आ जाएगा। पूरा कंप्लीट तरीके से जो बताने का तरीका मैं जब वीडियो लेके आऊंगा तो आपको बता दूंगा। सुबह 7 बजे जो भी वीडियो जाती है वो आप जरूर देखा करिए, वो आपको प्रीमियर पर चला जाता है, यानी लाइव चलती है वीडियो। तो 7 बजे सुबह इंतजार किया करिए, रात में ही वीडियो पड़ जाती है और सुबह आपको वो देखने को मिल जाती है। तो कभी मैथ्स के हम लोग कुछ क्वेश्चन को बात करेंगे, जैसे SI CI से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे, और डेली आपके लिए वीडियो आ रही है वो आपको जरूर देखा करिए। देखिए, रावण सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि कहां पे है, लॉन्च किया गया है, तो श्रीलंका में लॉन्च किया गया था। मैंने याद करने का आपको तरीका भी बताया था करंट अफेयर्स में कि रावण कहां का था, श्रीलंका का था, तो वहीं से आप याद कर लिया, श्रीलंका था रावण, और यहीं से आपसे हो गया। ठीक है, चलो, यहाँ पे आया था रावण जो सैटेलाइट है वो कब लॉन्च हुआ था, तो अप्रैल में लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2019। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संतोष ट्रॉफी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गेम से रिलेटेड है, तो ट्रॉफी के बारे में और एक प्लेयर के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है। नारायण कार्तिकेयन के बारे में पूछा गया था, भैया ये किस गेम से है, तो Formula 1 रेसिंग जो होता है वहाँ से रिलेटेड है। और ये भी एक क्वेश्चन जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल ही ना छूटे आपसे। ओजोन डे के बारे में पूछा गया था, डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, हर 3 शिफ्ट में से किसी ना किसी शिफ्ट में डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो ओजोन डे के बारे में जो पूछा गया, ये 16 सितंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज एक थीम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो हुआ है इसकी थीम क्या थी।
थीम क्या थी इसकी भैया? थीम इसकी थी एम्पावरिंग गर्ल फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर टुमारो। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। फिलहाल बच्चों ने अगर करंट अफेयर्स देखे होंगे मेरे तो उन्हें आराम से इसके बातें में वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, नीचे आप जाओगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोज देखने को मिलेंगी, तो वो सारी की सारी वीडियो देख लो। अगर मैथ्स में दिक्कत है, क्योंकि मैथ्स इतना ही आ रहा है कि आप 30 में से 28 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हो। नीचे जितने भी वीडियोज मिले हैं वो सारे के सारे वीडियोज आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल भी छोड़ो मत। अगर आपका आगे लेवल पेपर में है या फिर आपका एनटीपीसी का पेपर है या फिर आपको स्टेज 2 देना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज पूछा गया था इमरजेंसी डिक्लेयर कौन कर सकता, तो प्रेसिडेंट बिल्कुल सही होगा। और इससे पहले पूछ लिया गया था कि इमरजेंसी का आर्टिकल कौन कौन सा, तो 352, 356 और 360, सभी में चार चार का अंतर है, तो यहां से आप यहां पे पढ़ सकते हो इसको। एक क्वेश्चन कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो सी बाई वी। सी क्या है? प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है। और वी क्या है? उस माध्यम में, जिस माध्यम में आप निकालोगे, जिसका निकालोगे तो उसका माध्यम में क्या है, उसका चाल है। विंग्स ऑफ फायर किताब के बारे में पूछ लेगा, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑथर्स के बारे में हम लोगों ने एक बनाई हुई है जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो या फिर अनअकैडमी में जाके आप वहां भी देख सकते हो। देखो सीयू से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने आज सुबह 7 बजे एक सीयू की वीडियो बनाई हुई है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो जाके जरूर देखिए, आपको मिल जाएगा वीडियो यहाँ पे। सीयू जो कौन कौन है और फाउंडर कौन है वो सारी वीडियो आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो संजय मेहरोत्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट कितने प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, तो जेम अगस्टक हिक्की ने बंगाल गजट प्रारंभ किया था, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था आपके बारे में। मुख्यमंत्री के बारे में एक क्वेश्चन तो लगातार पूछा जा रहा है, इसकी वीडियो कल हम लोगों ने सुबह 7 बजे डाल दिया था, वो आप देख लीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो आती है, ठीक है। मैथ्स पे कभी वीडियो आएगी, कभी जीएजीके पे आएगी, वो आपको एक दिन पहले रात में ही पता चल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था कि आत्मघाती जो थैली है वो किसे बोला जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। और कलर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भैया टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, या फिर आपसे पूछा गया पपीता का जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, सेम में क्या पाया था, ये सब चीजें भी आप लोग एक बार देख लो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पहले से पूछा गया है, पहली बार आया तो शायद आगे आए ना आए, लेकिन जरूर देख लो एक बार, हो सकता आ ही जाए। टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। और मानव हृदय में कुल कितने चैंबर होते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, तो कुल मिला के 4 चैंबर होते हैं। ये क्वेश्चन देख लो आप, एक मैथ्स का क्वेश्चन था, ये भी बड़ा आसान से क्वेश्चन था। इस पे देखो मैं अभी आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 1/4 cos 3θ, ठीक है, ये आंसर आप देख लो। लेकिन इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सीरीज वाले, सभी को पता हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ, वो वीडियो कल सुबह आप सभी के लिए आ रहा है, वो तरीका आपको ऐसा मैं बताने वाला हूँ कि आप खुद ही खुश हो जाओगे कि यार ऐसा तरीका बड़ा शानदार था, ठीक है। तो कल सुबह वाली वीडियो का वेट करिए 7 बजे वाला, और आपको बहुत बेहतरीन तरीका मिलेगा। वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भी जाए ना तो भी जाकर वीडियो को देख लिया करो। रीजनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल आ रही है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हो, लेकिन जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से लेंदी रहेंगे, मतलब उसमें थोड़े से माइंड आपको ज्यादा लगाने हैं। जैसे कि राउंड टेबल वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है कि भैया 8-10 लोग यहां पे बैठे हुए हैं, तो आपको वहां से पढ़ के बताओ कि कौन कहां बैठा है, कौन कहां नहीं बैठा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में जरूर पूछा जा रहा है। ऑड एंड राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन से, नंबर सीरीज में, हर जगह से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। मैथ्स की बात करोगे तो बेहद आसान मैथ्स आ रही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं मेंसुरेशन से एंड एसआई और सीआई से आ रहे हैं। तो कल सुबह 7 बजे आप सभी के लिए, पहले तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज के बारे में बता दूंगा, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वैसा तरीका तो कहीं नहीं मिलेगा। और जो दूसरी बात है वो मैं मेंसुरेशन भी अपलोड कर दूंगा, आज ही अगर हो पाएगा तो आज ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चों का पेपर कल ही है, तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग देख जरूर लीजिएगा उसको, तभी अपलोड करने का फायदा है। एक मैथ्स में देखो इस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए थे, क्वेश्चन का डाटा तो सेम नहीं है लेकिन टाइप यही था सेम क्वेश्चन का, बच्चे ने पूरा कंप्लीट नहीं भेजा, लेकिन मुझे लगा कि यार ऐसा ही पूछा गया होगा। कह रहा था कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन था ये, 3 साल के लिए कोई पैसा लगाया गया था साधारण ब्याज पे, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया गया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये कहता अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और लगा दिया गया, तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% और बढ़ा दिया गया होता तो आपको 600 रुपये का फायदा हो जाता, लेकिन कब? 3 साल में। और कभी भी अगर हम ऐसा ही निकालें तो हमेशा 1 साल पे निकालते हैं, ठीक है। अगर 3 साल में आपको 600 का फायदा होता तो मेरे बच्चों ये बताओ 1 साल में कितने का फायदा होता? 200 का फायदा होता। और ये 200 का फायदा क्यों होता? क्योंकि आपने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। बात समझ में आ गई है? ये 200 का फायदा क्यों होता? क्योंकि आपने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो 4% की वैल्यू अगर 200 है तो 1% की वैल्यू 50 हो जाएगी। और हमें कितना बताना? हमें 100% की वैल्यू बतानी ना, बिकॉज क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर 50 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दो, 5000 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर कर लीजिए। और देखो अगर आपको मैथ्स में इसी तरीके की ट्रिक चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो 12 दिनों का क्रैश कोर्स हम लोगों ने अनअकैडमी पर स्टार्ट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो 127 है, अब तो ये 150+ रेटिंग हो गया, और उसके बावजूद 5 रेटिंग है। कुल मिला के इसमें आपके 50 लेसन लगभग पढ़ चुके हैं, हर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, चाहे आप बात करोगे बुक ऑन ऑथर्स के बारे में, किसी भी के बारे में बात करोगे, तो पूरी वीडियो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। आपको 12 दिन का क्रैश कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक
वीडियो का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करोगे आप वहां से सारी की सारी वीडियोज पे जाके वहां से देख सकते हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज सुबह ही मैंने प्रमुख कंपनी के सीईओ और फाउंडर के बारे में वीडियो बना दिया जिसमें हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जाके देख लीजिए आपको वीडियोज में देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया राजधानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में, ये भी जाके देख लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज पहले शिफ्ट में इतने क्वेश्चन पूछे गए, थर्ड शिफ्ट की वीडियो जरूर देखा करिए। कल मेरे पास थर्ड शिफ्ट से क्वेश्चन काफी कम आया था इसलिए मैंने थर्ड में कोई नया क्वेश्चन ऐड नहीं किया था, लेकिन आज बच्चे लगातार क्वेश्चन भेज रहे हैं। नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पे बच्चों जितना क्वेश्चन हो पाए उतना क्वेश्चन आप लोग भेजो। अगर स्पीड में प्रॉब्लम है तो आपको नीचे मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से मॉक टेस्ट बाई कर लो, 150 रुपए का मॉक टेस्ट है। अगर एक दिन में 3-4 देखे स्पीड बना लेते हो तो बना लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कूपन कोड में एमडी क्लासेस डाल दोगे तो आपको मॉक टेस्ट वो भी सस्ता हो जाएगा, ठीक है? तो कर सकते हो, बड़ा आसान सा पेपर है, बड़ा इजी सा पेपर है। तो वीडियो को खत्म करता हूं मैं, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों वीडियो को देखने के लिए, इसको जितना हो सके उतना शेयर करो। रेलवे एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स 40-50% पोर्शंस को कवर करते हैं और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद एसएससी सीएल के मैथ सेक्शन में 50 out of 50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूँ सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ।